आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी में इस वक्त इलेक्शन का दौर चल रहा है और इस इलेक्शन को कैंपेन करने के लिए हर पार्टी अपने अपने तरीके से काम कर रही है। आइए आपको ले चलते हैं कांग्रेस पार्टी की एक सभा में, जहां पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मेंबरान और तमाम के तमाम नगर सेवक मौजूद थे। वहां पर इलेक्शन को किस तरह से कैंपेन किया जाए, किस तरह से लड़ा जाए, इस बात पर जोर दिया जा रहा था। अपनी तकरीर में एडवोकेट नियाज ने ख़ास तौर से मलिक मोमिन का नाम लेते हुए कहा है कि उन्होंने अपने कॉरपोरेटरशिप, जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन चल रहा था उस वक्त भी उन्होंने बड़ी मेहनत करके घर घर जा के वोटरों को बाहर निकाला और अपनी कामयाबी पेश की। और इसी तरह से उन्हें पार्लियामेंट इलेक्शन में भी काम किया और वहाँ पे भी उन्होंने कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाए। उनकी ही मिसाल देते हुए उन्होंने कहा है कि हमें मलिक मोमिन की राह पर चलकर इस इलेक्शन को भी जीतना होगा। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी कि वो क्या कहते हैं। अभी पिछले जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था उसमें हमने जो काम किया था, मलिक किदावी जो मेरे वार्ड के कॉरपोरेटर हैं, उनके साथ हमने अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में घर घर जा गए और हमने उन लोगों को बताया कि ये मौका है कांग्रेस पार्टी को जिताने का, और इसलिए इलेक्शन के दिन भी हम एक एक घर में जाते थे और खाला, आपा, बेटियां, चलो वोट देने के लिए, ये कहकर हमने सब लोगों को घर से बाहर निकाला। तो आज हमें जो काम करना है वो यही सही काम है, फील्ड वर्क, कि हमको आज से ही लग जाना है। यहाँ से हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, इलेक्शन लगा तो पार्टी ऑफिस में आकर बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। ये नहीं करना है, बल्कि हमको पार्टी ऑफिस से निकलने के बाद हर यहाँ बैठा हुआ हर शख्स ये अहद करे कि वो रोज एक घंटा अपने मोहल्ले में घूमेगा और कांग्रेस पार्टी की बात करेगा।